अरे जातिवाद मुर्दाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। लोकेता जिंदाबाद, जातिवाद मुर्दाबाद, जातिवाद मुर्दाबाद,
देखो ये सब मेरे ढिडा चाह तोड़े ने किता के मैं जोर कने बोलो के किता अगर ये कोई तांत्रिक लोग उसे चिराग लोग अगर करता तो थोड़े को पता नहीं किन्ने पैसे ले लेना हूँ कुछ नहीं करना हा इं करना हा इं करिए कारी खंदे चलना हा खंदे चलना इं खे चलना हा इं करिए छोटी फूले की आज पुण्य तिथि है 1892 उनकी मृत्यु हो गई थी लेकिन एक बहुत ही महान पुरुष हुए हैं हम मानव जाति के अंदर इन्होंने शिक्षा पर बहुत जोर दिया कि हमारा समाज जितना शिक्षित होगा उतना ही सुरक्षित बनेगा। ये आप सब जानते ही हैं कि हमारे समाज के अंदर एक बहुत बड़ी जो समाज का हिस्सा है समाज के लिए जो काम करता है उत्पादन शक्ति है निर्माण करती है लोगों के लिए असली काम करते हैं उनको वंचित रखा गया समाज से अलग ना ही उन्हें शिक्षित होने दिया गया पढ़ाई से दूर रखा गया ताकि उनके अंदर एक चेतना विकसित न हो। ये एक बहुत बड़ी शासक वर्ग की चलाकी रहती है वो कभी नहीं चाहता कि उसकी चलाकियों के प्रति कोई बात समझ आए। उस ज्योतिबाई फूले ने इस चीज़ को समझकर समाज के अंदर इतना प्रयास किया बिना मतलब किसी डर के और हिम्मत के साथ उन्होंने लोगों को शिक्षित करने का खासकर शिक्षा पर कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षित हों और सबसे बड़ी चीज़ ये है उनकी जो पत्नी सावित्रीबाई फूले जिसने पहली नारी है जिसने हिंदुस्तान के अंदर नारी को शिक्षित करने की कोशिश की उनके लिए पढ़ाई जरूरी है और जितने भी लोग पढ़े लिखे हैं उनका जो शुरुआत है इन दोनों की देन है। वो सावित्रीबाई फूले के साथ क्या नहीं यात्राएं उसको बहुत सी यात्राएं झेलनी पड़ी जो लोगों के अंदर जो मानसिकता थी पुरानी वो उस पर इतने जुल्म करते थे कि उस पर गंदगी फेंकते थे ताकि किसी तरीके से डर कर निराश होकर घर से भाग जाए लेकिन उन लोगों ने इसके जो सावित्रीबाई फूले जो हैं फूले उसको हिम्मत देने वाला उसका पति था उसने कभी भी उसे निराश नहीं होने दिया पूरा सहयोग दिया ताकि समाज हमारा अधिक से अधिक शिक्षित हो। बाकी लोग जो आज के नेता हैं ये सारी देन हम समझते हैं कि शिक्षा भारती के अंदर जो हमारे ज्योतिबाई फूले इनको बहुत बड़ी एक महान हस्ती मानते हैं मानवीय जाति के हित में इन्होंने इतनी सेवाएं दी हैं मैं इनको सैल्यूट करता हूँ।